नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉलीवुड केसरी और मैं हूं आपके साथ एकता। मैं लेकर आई हूं बॉलीवुड की कुछ लेटेस्ट अपडेट। बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और होस्ट कहे जाने वाले करण जौहर एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल छोटे पर्दे का फेमस रियलिटी शो कॉफी विद करण खूब सुर्खियां बटोर रहा है। वहीं कॉफी विद करण में हम अक्सर ये देखते हैं कि करण जौहर हमेशा दूसरों के रिलेशनशिप पर बात करते रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अपने ब्रेकअप पर बात की है और कुछ ऐसा खुलासा कर दिया है जिसे सुनने के बाद सबके होश उड़ गए हैं। तो ऐसा क्या कहा है करण ने, जानते समझते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल शो के लेटेस्ट एपिसोड में वरुण धवन और अनिल कपूर करण जौहर के मेहमान बने थे। वहीं उन दोनों ने शादी से लेकर नेपोटिज्म तक के कई मुद्दों पर बात की है, जहां करण जौहर ने पहली बार अपना रिलेशनशिप स्टेटस शेयर किया है। उन्होंने चैट शो में गेस्ट वरुण धवन और अनिल कपूर संग बातचीत में बताया कि फिलहाल वे सिंगल है, उनका ब्रेकअप हो चुका है। वहीं करण जौहर ने इस दौरान वरुण धवन की सराहना भी की। करण ने बताया कि ब्रेकअप के बुरे फेज के दौरान उन्हें वरुण ने बेहद सपोर्ट किया था। वहीं वरुण धवन ने होस्ट करण जौहर से सवाल किया कि क्या उन्होंने कभी धोखा दिया है या उन्हें कभी धोखा मिला है। इस पर करण जौहर ने बताया कि वह रिलेशनशिप में नहीं है, पर वरुण ने करण को घेरने की कोशिश की और कहा कि वह नेशनल टीवी पर ये बोल रहे हैं कि वो रिलेशनशिप में नहीं है। इस पर करण ने जवाब दिया कि तुमको पता है कि मैं नहीं हूँ, तुम्हें ये भी पता है कि मेरा ब्रेकअप हो चुका है और उस रिलेशनशिप का तुम बहुत सपोर्ट करते थे, बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरा ब्रेकअप हो गया है। वहीं करण रिलेशनशिप में किसके साथ थे इसका खुलासा तो करण ने नहीं किया, लेकिन हाँ करण की बातों से इतना जरूर पता चल गया कि करण जौहर अब किसी रिश्ते में नहीं है। वेल, करण, अनिल और वरुण का ये एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एपिसोड में और क्या कुछ नए राज खुलकर सामने आते हैं ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। लेकिन आप कॉफी विद करण के इस एपिसोड के लिए कितने एक्साइटेड है ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वेल, अभी के इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं एकता त्रिपाठी, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आप हमारे वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।